हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे चंद्रकला, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी मैदा। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच घी, एक चौथाई छोटी चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैदा को जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये अच्छी तरीके से बाइंड हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो को हम ना ही सॉफ्ट रखेंगे और ना ही बहुत ही ज़्यादा सख्त रखेंगे, मीडियम डो हम लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे मैंने मिला लिया है। अब हम इसे गीला कपड़ा से ढक देंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 बारीक कटी हुई काजू, 8 से 10 बारीक कटी हुई बादाम डाल देंगे, थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, 1/4 चम्मच हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। ये घर का बनाया हुआ मावा है, तो इस मावे में पहले से ही मैंने चीनी डाल रखा है। अगर आपके मावा में चीनी ना हो तो चीनी को पीस कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसे हम मिला लेंगे। इसे हम फिर से एक बार मिला लेंगे। अब हम इसे 2 भागों में बांट लेंगे और इसे हम हाथों से इस तरीके से चिकना कर लेंगे। अब हम इसमें से एक लेंगे और इसमें हम सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। इसे ना ही तो हम ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ही ज्यादा मोटा बेलेंगे, इसे हम बस थोड़ा मोटा रखेंगे। तो मैंने इसे बेल लिया है, देखिए ये इतना मोटा है। अब हम गिलास से इसे काट लेंगे। इसे हम साइड कर देंगे। दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। इसमें से हम एक पूरी लेंगे और इसके किनारों में हम पानी लगा देंगे। और इसके सेंटर में हम डालेंगे 1 चम्मच मावा। फिर से हम एक पूरी लेंगे और इसके किनारों में हम पानी लगा देंगे। और इसके पानी वाले भाग को हम नीचे की तरफ डालकर इसे हम इस तरीके से चिपका देंगे, इसके किनारों को हम चिपका देंगे। अच्छी तरह से हम चिपका देंगे।
अब हम इसके किनारों को थोड़ा पतला कर लेंगे। इसके किनारों में हम फिर से पानी लगा देंगे। अब हम इसे नीचे से घुमाते हुए ऊपर की तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से। इसी तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तेल और तेल को हम हल्का गर्म होने देंगे। तो अब तेल हल्का गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें हम चंद्रकला को डालेंगे। ये देखिए, जब ये इस तरीके से तैर कर ऊपर आ जाए फिर हम इसे पलट देंगे और पलटते हुए हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने देंगे। तो अब ये गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसका चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी पानी, एक कटोरी चीनी डालेंगे, चीनी को हम पिघलने देंगे। तो अब चीनी पिघल चुकी है, अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 इलायची खोलकर हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह उबलने देंगे। तो अब 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस गर्म चाशनी में हम चंद्रकला को डालेंगे। ठंडा चाशनी में हम इसे नहीं डालेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे। 4 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। फिर से इसे हम 4 मिनट तक छोड़ देंगे। तो अब 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम इसे चाशनी से निकाल लेंगे। अब चंद्रकला बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।